सरस्वती पूजा के विसर्जन में लगातार बिहार के दरभंगा में पत्थरबाजी की घटना के बाद एक तनाव जैसा माहौल बन गया था। इस मामले में अब आपको नया खबर बता दें, नया अपडेट दे देते हैं। सीधी तस्वीरें, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। दरभंगा जिले में सरस्वती पूजा, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पत्थरबाजी की दो बड़ी घटना के बाद अब दोनों जगह न सिर्फ पूरी शांति है बल्कि दोनों जगहों पर जनजीवन सम्मान भी हो गया है। पहली घटना दरभंगा के मुरिया गाँव की है जबकि दूसरा घटना दरभंगा के बहेरा की है। दोनों जगहों पर हालात बिगड़ने के बाद खुद दरभंगा के डीएम और एसएसपी को मोर्चा संभालना पड़ा था। तब दोनों जगहों पर तैनात मजिस्ट्रेट के लिखित शिकायत के बाद तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लिखित शिकायत को देखने पर यह बातें सामने आई है। एक खास धर्म समुदाय के लोगों ने इसे सुनोई तरीके से घटना को अंजाम दिया था। दोनों तरफ से अब जब पुलिस की कार्रवाई तेज हुई तब आज बीजेपी पार्टी के जिला स्तरीय एक विशिष्ट मंडल ने दरभंगा के एसएसपी से मुलाकात कर पुलिस द्वारा पीड़ित को प्रताड़ित करने का शिकायत की। हालांकि एसएसपी ने सभी की बातें सुन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई का भरोसा भी दे दिया है। मीना झा, देवेंद्र झा, जगुनाथ रेड्डी का इंटरव्यू सुनिए। मीना झा हैं जो प्रदेश महामंत्री हैं महिला मोर्चा भाजपा में, देवेंद्र झा हैं जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार, यहां पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स आईएनसी बीएनआरसी बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहां के बच्चे डीएमसीएच में प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, ये बहेरा बाजार का जो सरस्वती पूजा के विसर्जन का जो घटना है ये प्रशासन के मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जो शशि कुमार वहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, कि जब मस्जिद के पास से जुलूस जा रही थी शांतिपूर्वक तरीका से तो वहाँ मस्जिद के ऊपर से और उस समुदाय के विभिन्न छत के ऊपर से लगातार रोड़ेबाजी किया गया और महज थाना से 200 मीटर के दूरी में, छोटी बाजार में, बड़ी बाजार में, सहनी टोला में किया गया और जो पत्थर खाया उसी की संख्या ज़्यादा हो गई, 114 लोगों का नाम दे दिया गया है। तो आज हम लोग एसएसपी साहब से मिल करके ये बात बताए हैं कि यथाशीघ्र जो निर्दोष हैं उनको छोड़े और जो एक विशेष समुदाय के लोग पत्थरबाजी किया है सुनियोजित तरीका से पूर्व से मंदिर मस्जिद के ऊपर जो पत्थर रख करके बरसाया है उसको तुरंत अविलंब गिरफ्तार कर करके उचित कार्रवाई करें, ये हम लोग ज्ञापन दिए हैं और एसएसपी साहब ने सहमति दिए हैं कि आप हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, जो निर्दोष है उसको तुरंत छोड़ेंगे और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करेंगे। सर, सरस्वती पूजा विसर्जन में जो हिंसा हुई थी दो जगह, क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई चल रही है? अभी स्थिति सामान्य है और जो प्राथमिकी दर्ज किया गया था दोनों जगह से गिरफ्तारी बहुत हुआ है उसके चलते और पीस कमेटी किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है और लगातार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि से थाना प्रभारी डीएसपी लोग टच में हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं और वहाँ स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है। क्या लगा सर, कोई साजिश का हिस्सा था या फिर नेचुरल? ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस था, ऐसा पहले साजिश का कोई बिंदु नहीं आया है, स्पॉन्टेनियस था कि दो समुदाय के लोग उसी टाइम लड़े और उस टाइप का कोई सूचना नहीं है। मस्जिद के पास जो एक था वहाँ पर ईटा पत्थर जमा होने की बात कही जा रही है, प्रशासन में पत्थरबाजी की बात कही जा रही है, क्या? तो पत्थरबाजी तो हुआ है इसीलिए हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके सख्ती से कार्रवाई लेके। अभी सर भाजपा एक शिष्टमंडल आके मिला है सर आपसे, उसका कहना है कि एक पक्ष को फंसाया जा रहा है ज़्यादा, तो उस पर ऐसा नहीं है, जो अगर जिसको लगता है कि फंसाया जा रहा है, निर्दोष है तो आके आप पिटीशन दे सकते हैं, हम लोग जाँच करेंगे, जाँच के बाद जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज निकले उससे क्या स्थिति हो रहा है सर? तो आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या है मामला, एसएसपी से आप लोगों ने बात की है, क्या बात की है? मामला ये है कि बहेरा में और मुड़िया में जो कांड हुआ है उस कांड के में हिंदू पक्ष का लोग नाम ज़्यादा डाल दिया गया है जो वहाँ कोई था नहीं। जब हम लोगों का मूर्ति विसर्जन 13-14 को हो गया तो ये यहाँ बुला के दो दो मंडल अध्यक्ष को उसी थाना में रखना है 24 घंटा, ये कहाँ का न्याय है? उस न्याय के बारे में सर को कहने आए हैं कि सर अपने स्तर से विशेष जांच करके इस मुद्दा को अविलंब शांत करें, नहीं तो फिर आगे भी हम लोगों को जाने आता है, आगे भी फिर हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि परिवार, सबों के परिवार डरा हुआ है, कब किसको उठा लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए हम इस मुद्दे के लेके हमारी शिष्टमंडल टीम आज एसपी साहब से मिलने आए हैं और कहे हैं कि आप जो दोषी है उसको अविलंब आप सजा दीजिए, जो निर्दोष परिवार है उसको छोड़िए और उसका नाम आप
उस एफआईआर में से हटाइए।